फ्रेंड्स आईपीएल 2020 की ट्रेड विंडो शुरू है लगभग एक डेढ़ या फिर दो महीने से भी अधिक समय हो चुका है और अब 14 नवंबर यानी आज ये ट्रेड विंडो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हमें कोई भी ट्रेड नहीं देखने को मिलेगी आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर। दरअसल इस ट्रेड विंडो के दो महीने के सेशन के दौरान हमने काफ़ी सारी ट्रेड्स की खबरें सुनी थी, काफ़ी सारी खबरें वायरल हुई थी, लेकिन केवल चार ही ट्रेड इस सीजन में हुई थी जबकि पिछले सीजन हमने देखा था इतनी खबरें वायरल नहीं हुई थी। इसके बावजूद पिछले सीजन हमें कम से कम या फिर 8 ट्रेड देखने को मिली थी। इस सीजन की सबसे पहली ट्रेड एमआई और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच हुई थी और इस सीजन की आखिरी ट्रेड भी एमआई और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच हुई, जब पहली ट्रेड में इन दोनों टीमों ने मैक मार्कंडे और रदरफोर्ड को एक्सचेंज किया था। वहीं इसके बाद जो इस सीजन की सबसे आखिरी ट्रेड एमआई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुई है, इसमें केवल दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लॉस थोड़ा सा हुआ है क्योंकि इनके ट्रेंट बोल्ट आए हैं एमआई की टीम में और एमआई की टीम का कोई भी प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स की टीम उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में या फिर एक्सचेंज के रूप में नहीं गया। आखिर क्यों कोई भी एमआई का प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में नहीं गया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ट्रेंट बोल्ट के बदले कौन सा प्लेयर एमआई से मांगा था, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन सारे अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा। मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों एमआई की टीम ने जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उनसे प्लेयर मांगा था वो दिल्ली कैपिटल्स में नहीं भेजा। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन सारे अपडेट्स इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का सीजन तो नीचे का लाइक का बटन दियोगे उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। फ्रेंड्स जो रिपोर्ट निकलकर सामने आती है उसके अकॉर्डिंग एमआई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस ट्रेड की बात लगभग पिछले 15-17 दिन से चल रही थी, जब से महिला जयवर्धने आए एमआई की टीम के साथ तब से ये ट्रेड की बातें चल रही थी, यानी जब से वो इंडिया आए ऑक्शन की तैयारियों के लिए तब से ये बात चल रही थी और अभी एक आधा दिन पहले ही ये फाइनलाइज हुई है। ट्रेड अपने लास्ट स्टेज पर आई थी और ये ट्रेड विंडो क्लोज होने से एक दिन पहले ही ये ट्रेड कंप्लीट हुई है, जहाँ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ट्रेंट बोल्ट के बदले एमआई की टीम से जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कुमार यादव को और मिचेल मैकलेनगन को मांग रही थी। ये दो प्लेयर्स की मांग कर रही थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ट्रेंट बोल्ट के बदले, लेकिन एमआई की टीम मिचेल मैकलेनगन को देने के लिए पूरी तरह तैयार थी क्योंकि उनकी ऑप्शन प्राइस केवल 1 करोड़ थी और ट्रेंट बोल्ट की ऑप्शन प्राइस 2.2 करोड़ थी। वही जो दूसरा प्लेयर सूर्य कुमार यादव है उनके पिछले दो सीजन एमआई के लिए काफी अच्छे रहे थे, जब 2018 में वो एमआई के लिए लीडिंग रन स्कोरर और 2019 में सेकंड लीडिंग रन स्कोरर एमआई के लिए थे, तो एमआई की टीम ने साफ मना कर दिया था उनको ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा उनकी ऑप्शन प्राइस भी 3 करोड़ से ऊपर थी, तो एमआई की टीम वैसे भी उनको इतने कम में देना नहीं चाहती थी और वो पॉसिबल भी नहीं थी इतने कम में ट्रेड होना, तो एमआई की टीम केवल मिचेल मैकलेनगन को देने को तैयार थी। और एट दी एंड दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच पोंटिंग की तरफ से जो बयान आया, जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग पोंटिंग ने मना कर दिया मिचेल मैकलेनगन को लेने के लिए। वो चाहते थे कि उनको फास्ट बॉलर की नीड नहीं है, वो फास्ट बॉलर ऑक्शन से खरीद लेंगे, उनको चाहिए एक बल्लेबाज जो कि इंडियन हो। इस वजह से फिर एट दी एंड केवल ट्रेंट बोल्ट आए एमआई की टीम में और एमआई की टीम को दिल्ली कैपिटल्स को देने पड़े 2.2 करोड़, यानी एमआई के पर्स मनी में जो 3.55 करोड़ थे उससे 2.2 करोड़ कट गए और दिल्ली कैपिटल्स की पर्स मनी में ऐड हो गए। वही दिल्ली कैपिटल्स ने जो अश्विन की ट्रेड करी थी इसके बाद इनके पर्स मनी में केवल 10 लाख रुपए ही बचे थे। अब 10 लाख प्लस 2.2 करोड़ तो ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास अब 2.3 करोड़ रुपए ऑप्शन से पहले पर्स मनी में ऐड हो चुके हैं। हालांकि यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को थोड़ा अधिक लॉस हुआ है क्योंकि केवल 2.2 करोड़ में इनके स्ट्राइकिंग बॉलर ट्रेंट बोल्ट जा चुके हैं एमआई की टीम में। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इस ट्रेड से कौन सी टीम को अधिक बेनिफिट हुआ है। वही इसके साथ वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।